हे गाइस, आईपीएल 2023 का रिटेंशन कंप्लीट हो चुका है एंड यहां पे मैंने आपको सभी 10 टीमों के रिटेन एंड रिलीज प्लेयर्स के बारे में बता दिया है। दोनों ही पे डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आपने नहीं देखा था आप वो वाला वीडियो जाके देख सकते हो। एंड इस वीडियो में आपको सभी 10 टीमों के रिमेनिंग पर्स बैलेंस के बारे में बताने वाला हूं, रिटेंशन के पास कौन सी टीम के पास ज्यादा पैसे बचे एंड कौन सी टीम के पास कम पैसे बचे वो आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। सो गाइस, बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, यहां पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जिनके पास सबसे ज्यादा पर्स बैलेंस है एंड एंड में मैं आपको बताऊंगी कौन सी टीम के पास सबसे कम पर्स बैलेंस बचा हुआ है। तो सबसे ज्यादा पर्स बैलेंस यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद के पास है, 42.25 करोड़ का पर्स बैलेंस इनके पास ऑक्शन में होने वाला है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इनके पास स्लॉट भी बचे हुए, स्लॉट की बात की जाए तो यहाँ पे SRH के पास 13 स्लॉट बचे हुए, यानी कि 13 प्लेयर्स को यहाँ पे खरीद सकती है। फिर यहाँ पे बात करते हैं पंजाब किंग्स की, यहाँ पे पंजाब किंग्स के पास 32.2 करोड़ का पर्स बैलेंस बचा हुआ है। एंड स्लॉट की बात की जाए तो यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं, पंजाब किंग्स के पास 9 प्लेयर्स का स्लॉट बचा हुआ है, यानी कि 9 प्लेयर्स को मैक्सिमम खरीद सकती है। अब यहाँ पे बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की, यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स के पास 23.35 करोड़ का पर्स बैलेंस बचा हुआ है। तो यहाँ पे स्लॉट की बात की जाए तो यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स के पास 10 स्लॉट्स रिमेनिंग है, यानी कि 10 प्लेयर्स को खरीद सकती है। अब यहाँ पे बात करते हैं मुंबई इंडियंस की, यहाँ पे मुंबई इंडियंस के पास पर्स बैलेंस 20.55 करोड़ का बचा हुआ है। एंड स्लॉट्स की बात की जाए तो यहाँ पे 9 स्लॉट्स बचे, यानी कि 9 प्लेयर्स को मैक्सिमम ऑक्शन में खरीद सकती है। एंड बात की जाए चेन्नई सुपर किंग्स की, यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स के पास भी सेम अमाउंट 20.45 करोड़ का पर्स बैलेंस बचा है। एंड बात की जाए स्लॉट्स की तो यहाँ पे 7 स्लॉट्स यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग के पास बचे हुए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की, तो यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स के पास 19.45 करोड़ का पर्स बैलेंस बचा हुआ है। एंड स्लॉट्स की बात की जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम सिर्फ 5 ही प्लेयर्स को दिल्ली कैपिटल्स की टीम खरीद सकते हो, तो अच्छा खासा सिचुएशन यहाँ पे दबंग दिल्ली कैपिटल्स के पास है। एंड बात की जाए डिफेंडिंग चैंपियंस गुजरात टाइटन्स की, तो यहाँ पे गुजरात टाइटन्स के पास 19.25 करोड़ का पर्स बैलेंस बचा है। एंड स्लॉट्स की बात की जाए तो यहाँ पे 7 प्लेयर्स को खरीद सकती है। एंड अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की, तो यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स के पास 13.2 करोड़ का पर्स बैलेंस बचा है। एंड स्लॉट्स की बात की जाए तो यहाँ पे 9 प्लेयर्स यहाँ पे मैक्सिमम खरीद सकती है ऑक्शन में। एंड अब यहाँ पे बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, यहाँ पे RCB के पास 8.75 करोड़ का पर्स बैलेंस बचा हुआ है। एंड स्लॉट्स की बात की जाए तो यहाँ पे RCB के पास 7 प्लेयर्स खरीद सकती है मैक्सिमम। एंड फाइनली बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो सबसे कम पर्स बैलेंस यहाँ पे ऑक्शन में KKR के पास होने वाला है, जो यहाँ पे 7.05 करोड़ का है। एंड कोलकाता नाइट राइडर्स को 11 प्लेयर्स खरीदने हैं, तो एक टाइप का ट्रेड जो कि है वो थोड़ा महंगा पड़ सकता है, अब कैसे ऑक्शन में करती हो देखना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा स्लॉट यहाँ पे SRH के पास बचा है एंड कम स्लॉट यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स के पास बचा है। एंड पर्स की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पर्स यहाँ पे SRH के पास है एंड सबसे कम पर्स अमाउंट कोलकाता नाइट राइडर्स के पास है। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कौन सी टीम को आप सपोर्ट करने वाले हो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। एंड रिटेन एंड रिलीज वाला वीडियो भी आप जाके जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो आपको थोड़ी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगेगी, मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।